हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आइडिया स्टडी पॉइंट में। और मैं हूँ विशोक सिंह। जैसे कि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे आप सभी के कि सर, हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बैक का पेपर है उसके लिए कुछ मटेरियल दीजिए, और क्योंकि काफ़ी बच्चों की बैक है और जो मैकेनिकल ग्रुप के जो बच्चे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे हम पूरा पेपर जो है एक बच्चे ने हमें भेजा है, और ये पेपर 2019-21 का जो जो छात्रों का बैक है तो उस पेपर को हम यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या आपको बनाने के लिए आता है। तो यहाँ पे ये सारा बनाने के लिए है, फ्री हैंड स्केच है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को आप कैसे बनाएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आपको कैसे बनाना होता है, इस वीडियो में पूरा बना करके दिखाएंगे। और क्वेश्चन कुछ हम स्पेशल वीडियो जो है लिंक में दे देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्पर्श रेखा विधि से एक पैराबोला बनाने के लिए दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई 50 मिलीमीटर है और आधार जो यानी कि जो बेस होता है वो 80 मिलीमीटर है। तो ये स्पेशल वीडियो है जो हम लिंक में दे देंगे। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली नहीं है, पैराबोला वगैरह, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अभी आपको हम दिखाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कर दें जिनका बैक है, और इस वीडियो को देख करके ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये उस टाइम जब ड्राइंग का पेपर होता तो 50 नंबर का होता था, ठीक है ना। जो 19-21 का मतलब जब एनुअल होता था, जो आपको बनाने के लिए आती थी उसमें 50 नंबर का होता था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है, इसमें कह रहा है कि स्पर्श रेखा विधि से एक पैराबोला बनाएं जिसकी ऊंचाई 50 मिलीमीटर और आधार कितना है 80 मिलीमीटर है, ठीक है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित का फ्री हैंड ड्राइंग बनाएं। इसमें आपको फ्री हैंड स्केच ड्राइंग बनानी है जो कि आपकी 10 नंबर की है, और पहला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अब 20 नंबर का है, अगर इसको बना लेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको तीन ऑप्शन दिए हैं और तीनों ही आपको बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करने हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे अटेम्प्ट सभी क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ सकते हैं, कोई चॉइस नहीं दी गई है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो इनका फ्री हैंड बनाना है आपको। एक आपको दिया फ्लेंज नट, दूसरा दिया है कैप नट, और तीसरा दिया आपका रिंग नट, ठीक है। तो ये आपको तीनों के तीनों यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या है, इनकी स्पेशल वीडियो हमने आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और ऑलरेडी बनी हुई है हमारी, तो वहाँ पे आप जा करके भी इसको विजिट कर सकते हैं। बाकी कैसे होते ये सारी चीज़ें मैं आपको आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है निम्नलिखित की फ्री हैंड ड्राइंग बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ आपको इसमें भी फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है। पहला ऑप्शन है इसमें रैग फाउंडेशन बोल्ट, और दूसरा है आपका स्क्वायर बोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा चौथा क्वेश्चन है, इसमें डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप चेन बट जॉइंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये आपका डबल रिवेटेड जो होता है आपका जॉइंट होता है उसको आपको ड्रॉ करना होता है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला जो आपका है यह बनाना है, इसमें कोई आपको नापतोल करनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री हैंड बनाने के लिए कहा है, ठीक है। तो टॉप और फ्रंट इसका देखो, आप ये बना सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ से, और इनका अभ्यास करें, प्रयास करें बनाने का। हमने इस तरीके के वीडियो ऑलरेडी स्पेशल बना रखे हैं, तो वहाँ से जा करके आप देख के और अभ्यास करें, प्रयास करें बनाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ये भी फ्लैंज नट बनाना है। दूसरे टाइप से एक ये भी है आपका, जिसमें ये भी फ्लैंज नट ही है, इसी का ही यही भाग है। इसमें आपका टॉप दिया हुआ है और आपकी दी हुई है साइड, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उसमें आपकी टॉप फ्रंट एंड साइड तीनों चीज़ें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये भी आपका फ्लेंज नट ही है। अगला क्वेश्चन था इसमें कैप नट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा ऑप्शन था कैप नट। तो ये आपका कैप नट है, यहाँ पे ये इस तरीके से ये कैप होता है, और ये इसका ऊपर से हम देखेंगे तो ये टॉप व्यू देखने को मिलेगा और ये साइड व्यू है, ठीक है ना। तो साइड इसको हम कहते हैं, ये आपका यहाँ पे इसकी हाइट दी रखी है। तो इस तरीके से इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इजीली तरीके से आप फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर सकते हैं इसको, है ना। हेक्सागोनल बना के इसके अंदर आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट, तो ये भी आपका कैप नट है, सेम जो भी आपने देखा वही सेम नट है कैप नट। और किस तरीके से आप इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बार बार कैप नेट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाने का अभ्यास कीजिए। ये बार बार परीक्षा में आपको देखने को मिलता है, कैप नेट हर बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा इसमें देखते हैं, यहाँ पे रैग बोल्ट आपका दिया गया है, ठीक है ना। जो रैग बोल्ट था, रैग बोल्ट फाउंडेशन, ठीक है ना, रैग फाउंडेशन बोल्ट, तो ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका भी आप अभ्यास करेंगे। स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा लिंक में, वहाँ से भी आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। या आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग बाई विशोक सर सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आपको पेपर दिया गया था उसके ये सारे आंसर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे लगातार बार बार ड्राइंग में फेल हो रहे हैं, या 2019 सेशन उनका था 19 से 21 का और 23 चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है बच्चे ड्राइंग में जो बनाने के लिए आती थी उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते थे, ठीक है। अब क्या है, केवल आपका 6 नंबर की 6 क्वेश्चन है, 12 नंबर की ड्राइंग रह गई है। तो आप कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि ITI का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि ड्राइंग जो है मस्ट रहती थी, जो बच्चा ITI कर रहा है उसके लिए ड्राइंग थ्योरी और प्रैक्टिकल और वर्कशॉप कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें बहुत मस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें क्या ऑप्शनल कर दी गई, इससे क्या है कि बच्चे की जो पढ़ने की वो चीज़ होती थी वो ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल रट लो और तुक्का मार के आ जाओ, तुक्का मार के भी आ जाते हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता था, पास होने के लिए बनाना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, बच्चे साल साल पर पढ़ते थे, ड्राइंग को बनाते थे, फाइलें तैयार करते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे तुक्के मार के आप 6 क्वेश्चन में से कम 2-3 तो राइट हो ही जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ हो गई, मेन बेस ख़त्म कर दिया गया है ITI का पूरी तरीके से, मतलब पढ़ाई ख़त्म कर दी गई है। और प्रैक्टिकल कराता कौन है, सभी को पता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्वायर हेड बोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, स्क्वायर हेड बोल्ट, तो एक ये भी बनाने की। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको सारे बोल्ट ही दिए गए ड्राइंग में, ठीक है। तो स्क्वायर हेड का भी आप डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके से आपको बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका डुअल रिबिट लैप जॉइंट, इसमें आपको जो सेंट टैप की दी गई थी तो यहाँ पे लैप जॉइंट दिया हुआ है और इसको आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। मैं इसका प्लेलिस्ट में आपका इसका भी लिंक दे दूंगा, हर एक वीडियो का एक एक जो प्लेलिस्ट में आपको लिंक ज़रूर दे दूंगा। फ़िलहाल हम इसको अभी ऐसे ही बना रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये देखिए इसका जो किस तरीके से इसको बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 2 प्लेट हैं और इन 2 प्लेटों को डबल हेड इससे जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये इससे आपको जोड़ा गया है और यहाँ पे देखिए 2 प्लेट ये आपकी